नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया में मिलने वाली उन गाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिनमें आपको 9, 10 और 11 सीट्स मिलती है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो नॉर्मली आप एक 7 या 8 सीटर कार को खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपकी फैमिली और ज़्यादा बड़ी है तो इस वीडियो में बताई गई गाड़ियाँ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए जिसमें आप 10 से 12 पैसेंजर आराम से बिठा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फोर्ड सिटी लाइन की, जो कि फोर्ड्स की तरफ से आने वाली एक 10 सीटर एमयूवी कार है। इस कार को फोर्ड्स गुरखा और फोर्ड्स की पॉपुलर व्हीकल ट्रैक्स क्रूजर के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। सिटी लाइन एक इंडियन मेड लिमोजिन कार है जो करीब 5.2 मीटर लंबी है और इसमें 3 मीटर का व्हील बेस मिल जाता है। इसकी एक्सटीरियर लुक्स को देखो तो ये लुक्स में फोर्ड्स ट्रैक्स क्रूजर से काफ़ी सिमिलर है। बॉक्सी डिज़ाइन और पीछे दिया गया स्टेयर व्हील कहीं ना कहीं इस गाड़ी को जी वैगन की वाइब्स देते हैं। लेकिन इस गाड़ी की खास बात है वो है इसका शानदार इंटीरियर, जिसमें आपको ऐसे काफ़ी स्पेसियस और बड़ी बड़ी सीट्स मिलती है जिन पर आप ड्राइवर समेत 10 लोग बिना किसी दिक्कत के आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें आपको सारी सीट्स एकदम फ्रंट फेसिंग मिलती है, जिसमें आपको 2+3+2+3 का सीटिंग लेआउट मिलता है, यानी कि फर्स्ट रो में ड्राइवर और एक पैसेंजर, सेकेंड रो में 3 पैसेंजर और थर्ड रो में 2 पैसेंजर और आखिरी फोर्थ रो में फिर से 3 पैसेंजर बिठा के आप टोटल 10 यात्री एक साथ ट्रेवल कर सकते हो। इस गाड़ी की पीछे की सीट्स पर जाने के लिए आपको सेकेंड रो की सीट को मैन्युअली फोल्ड करना होगा और लास्ट सीट पर जाने के लिए थर्ड रो की सीट्स के बीच में जगह दी गई है। गाड़ी की रूफ पर आपको पीछे की सीट्स के लिए एसी वेंट्स मिल जाते हैं, नहीं तो इसमें आपको स्लाइडिंग विंडोज भी मिलती है। ऑल ओवर यह गाड़ी 10 पैसेंजर्स के लिए बेस्ट है, जो आपकी लॉन्ग ड्राइव के लिए सही रहेगी। इस गाड़ी में पावर के लिए 2.6 लीटर एकमात्र डीजल इंजन दिया गया है, जो करीब 91 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी में आपको केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और करीब 17 kmpl का माइलेज क्लेम करती है ये गाड़ी। तो अगर आपको लगता है कि फोर्ड सिटी लाइन आपके और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी तो ये आपको 15.94 लाख रुपीज़ में मिल जाएगी। अगली जो गाड़ी है हमारी लिस्ट की वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। दोस्तों, वैसे तो स्कॉर्पियो क्लासिक एक 7 सीटर कार है, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल में आपको फ्रंट में ड्राइवर और पैसेंजर के साथ 2 सीट, सेकेंड रो में बैठने के लिए 3 सीट्स और पीछे की तरफ आपको आमने सामने साइड फेसिंग सीट्स मिलती है, जहां आप एक सीट पर 2-2 पैसेंजर बिठा सकते हो। क्योंकि ये सीट 7 सीटर स्कॉर्पियो से थोड़ी बड़ी होती है, जहां पीछे 4 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, तो कुल मिलाकर स्कॉर्पियो क्लासिक एस में 9 पैसेंजर आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक का टॉप मॉडल S11 भी खरीदते हैं तो उसमें भी आप पीछे की तरफ आफ्टर मार्केट बड़ी सीट्स डलवा सकते हैं, अगर आप इसमें 9-10 पैसेंजर बिठाना चाहते हो तो। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक आपको 13 लाख रुपीज़ से लेकर 16 लाख रुपीज़ एक शोरूम में मिल जाती है। हमारी इस लिस्ट की अगली गाड़ी है फोर्ड्स ट्रैक्स क्रूजर, जिसे हम नॉर्मली तूफान के नाम से भी जानते हैं, और एक तरह से कहे तो एक प्रकार का तूफान ही है। जब ये सड़क पर चलती है तो इसकी रोड प्रेजेंस का कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि ये गाड़ी साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इस गाड़ी में लगभग 6 वेरियंट्स आते हैं एसी और नॉन एसी में, और इसके हर वेरियंट के अनुसार ही इसमें अलग अलग सीटिंग कैपेसिटी दी गई है। इसमें आपको 10, 12 और 13 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, जहां फ्रंट में ड्राइवर और एक पैसेंजर, सेकेंड रो में 3 पैसेंजर और पीछे के केबिन में आपको लंबी लंबी साइड फेसिंग सीट्स मिलती है, जिन पर आप गाड़ी के वेरियंट के हिसाब से हर सीट पर 3-3 या 4-4 पैसेंजर आराम से बिठा कर गाड़ी में अप टू 13 पैसेंजर आराम से बिठा सकते हो। इंटीरियर को देखो तो इसका डैशबोर्ड आपको फोर्ड्स गुरखा की तरह ही मिलता है, लेकिन सीट्स और बाकी का इंटीरियर ड्यूअल टोन ब्लैक और बीच कलर की थीम में मिलता है। ये गाड़ी नॉर्मली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में पीपल कैरियर के तौर पर यूज़ की जाती है, लेकिन आप इसे एज ए प्राइवेट कार भी खरीद सकते हैं। इसमें वही सेम इंजन मिलता है जो फोर्ड्स की सिटी लाइन में दिया गया है, 2.6 लीटर डीजल इंजन विथ 91 hp पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी को आप 13.32 लाख रुपीज़ से लेकर 14.95 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस में खरीद सकते हो। दोस्तों, अगली गाड़ी है किया कार्निवल। वैसे तो यह गाड़ी इंडिया में डिसकंटिन्यू हो चुकी है कुछ महीने पहले ही, लेकिन सेकेंड हैंड कार मार्केट में आप इस गाड़ी को ज़रूर खरीद सकते हो, जहां आपको यह बढ़िया कीमत में मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको 7, 8 और 9 सीट्स ऑफर की जाती थी, जहां 7 सीट वर्जन में 2 सीट आगे, बीच में 2 कैप्टन सीट्स और थर्ड रो में 3 सीट्स, तो वहीं 8 सीटर में 2 सीट आगे और सेकेंड और थर्ड रो में 3-3 सीट्स मिलती थी, और इसके 9 सीट वेरिएंट में 2 सीट आगे, थर्ड और सेकेंड रो में 2-2 कैप्टन सीट्स और लास्ट रो में 3 सीट्स ऑफर की जाती थी।
किया कार्निवल में 2.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता था, जो कि 197 एचपी की पावर और 440 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 10.1 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता था, प्रीमियम लेदर सीट्स और वीआईपी वर्जन में पीछे की सीट्स के लिए दो 10.1 इंचेस के एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती थी। ऑल ओवर यह कार एक पावर पैक लग्जरी लिमोजिन कार थी, जो 30 से लेकर 35 लाख रुपीज़ एक शोरूम में अवेलेबल थी। लेकिन हाल फिलहाल ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन आप अपने आसपास पता करो, ये गाड़ी आपको अच्छी कीमत में सेकेंड हैंड कार मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। इसके बाद जो अगली गाड़ी है वो ना तो कोई एसयूवी है, ना ही कोई एमपीवी या एमयूवी, यह है फोर्स अर्बेनिया, जो कि एक वैन है जिसमें आपको 17 प्लस पैसेंजर की कैपेसिटी मिलती है। लेकिन हम इस वीडियो में केवल 10 सीटर वेरियंट की बात करेंगे, जो कि है फोर्स अर्बेनिया 3350 10 सीटर। इसमें आपको 3.6 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 115 एचपी की पावर जनरेट करता है। इस गाड़ी के लुक मर्सिडीज़ की लग्जरी वीआईपी कार्स की तरह मिलते जुलते हैं, जिस वजह से ये इंडिया में अपने सेगमेंट की सबसे तगड़ी रोड प्रेजेंस वाली कार है। इसमें आपको एक ड्राइवर सीट और उसी के बगल में एक पैसेंजर सीट और पीछे की तरफ 9 और पैसेंजर सीट्स मिलती है। कुल मिलाकर ड्राइवर समेत 11 सीट्स इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। फोर्ड्स अर्बेनिया की विंडोज़ ओपन नहीं होती है, यह एक फुल एसी वैन है जिसमें आपको एवरी सीट्स के लिए इंडिविजुअल आर्मरेस्ट, रीडिंग लैंप्स, यूएसबी चार्जर पॉइंट्स, रिक्लाइनिंग सीट्स दी गई है, ताकि लॉन्ग ड्राइव के दौरान पैसेंजर को थकावट ना हो। तो दोस्तों, फोर्ड्स अर्बेनिया एक और बेस्ट 10 सीटर कार है इंडिया के अंदर, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 29.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम से। सो गाइस, ये थी और 9 और 10 सीटर गाड़ियाँ जो आपको इंडिया में मिल जाएगी। इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे बेस्ट लगती है कमेंट्स में बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहे।